काफ़ी अहम मुद्दे आप लोग लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन आपका जो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का भी बिगड़ी हुई नज़र आती है, और जब भी कोई मुद्दा यहाँ पर उठाया जाता है वो शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। आपको नहीं लगता कि कहने की एक सुझाव अगर आप देना चाहते हैं? एक हमने मध्य प्रदेश में अपने नेता प्रतिपक्ष को खोया है, उनकी मृत्यु के बाद में अभी स्थायी रूप से नेता प्रतिपक्ष चयनित नहीं हुआ, और समय समय पर ये बात आती है कि क्या पीसीसी की लीडरशिप में परिवर्तन होगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव के लिए क्योंकि समय अब कम बचा है तो ये निर्णय जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए कि चुनाव तक के लिए अब कौन सी लीडरशिप मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किनको जिम्मेदारी देना चाहती है। तो बीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी के संदर्भ में चुनाव तक ले जाने के लिए जो अपनी टीम है, उस बीच में भी अभी जो करीब 20 महीने बचे हैं, 22 महीने बचे हैं, उसमें कोई अपरिहार परिस्थिति बने चेंज करने की बात आए तो बात अलग है, वरना अब ये क्लियर जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इस बात की है कि ये घोषणा कार्यकर्ताओं के लिए भी, पार्टी के लिए भी, आमजनों के लिए भी होनी चाहिए कि कांग्रेस की जिम्मेदारी चुनाव तक। मुख्यमंत्री देखिए बात का है, हम लोग राहुल जी के यहाँ गए थे छत्तीसगढ़ से और कुछ सीनियर लोग थे, उसमें वहाँ की भी संदर्भ में बात आई थी लीडरशिप का, और राहुल जी ने दो टूक शब्दों में एक बात कही, चुनाव तक पीसीसी प्रेसिडेंट और नेता प्रतिपक्ष ये रहे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन बने, एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन कि काम किसको करना है। ये दो नाम जो उन्होंने लिए, कोई ऐसी परिस्थिति बने तो चेंज कभी भी हो सकता है, किंतु एक क्लियर इंडिकेशन रहता है तो काम करने में बेहतर। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी राहुल जी को निर्णय लेना, अभी तक वो ले नहीं पाए शायद। हाई कमांड भी निश्चित रूप से उसमें भागीदार होगा, पर ये हो जाना चाहिए। यहाँ स्टेट की जो पार्टी लीडरशिप रहती है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, सेक्रेटरी इंचार्ज मुख्य रूप से हाईकमांड इनके ऊपर जिम्मेदारी देता है, सीधे हाईकमांड इंटरफेयर किसी स्टेट में नहीं करता है। तो मेरा तो सुझाव, बतौर सुझाव मैं जूनियर हूँ, यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मेरा अगर सुझाव एक कार्यकर्ता के रूप में है तो मध्य प्रदेश के लिए यही रहेगा कि सबसे पहले इस बात पे जल्दी से जल्दी निर्णय कर लेना चाहिए कि चुनाव तक के लिए हम किनको सोच रहे हैं कि पीसीसी की कमान संभालेंगे। अजय जी हैं, अजय जी हमारे नेता प्रतिपक्ष के प्रभार में हैं, उनको कंटिन्यू करना हो, जो निर्णय लेना है, बट क्लियर हो जाना चाहिए कि चुनाव तक के लिए हमने